आज ना मैंने मसाला दम अरवी की सब्जी बनाई है जिसमें आलू भी मिक्स किया है और बहुत ही शानदार सब्जी बन के तैयार हुई थी तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्राइंडर लेना है और उसमें एक प्याज को डालना है और जो खड़े धने रहते हैं ना पीले कलर के वो डाल देना है एक चम्मच थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना दरदरा पीस लेना है एकदम बारीक मत पीसना दरदरा टाइप का पेस्ट इस तरीके से रखना उसके बाद आपको कूटना लेना है या फिर कूटने के लिए जो भी आपके पास हो नहीं तो फिर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेना लहसुन हरी मिर्च अगर हरी धनिया ज़्यादा हो तो हरी धनिया भी डाल देना साथ में अदरक फिर मैंने ये अरबी ली है जिसको दो सीटी लेके बॉईल कर लिया था अब इसमें क्या हुआ कि तीन अरबी ना खराब निकल गई तीन से चार अरबी ऐसे टाइप की शेप में हमेशा लिया करो तो मैंने आलू मिक्स कर दिया था यहाँ आपको दही लेना है उसमें डेढ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच से भी कम डालना है आपको काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च डाल के आधा चम्मच गरम मसाला डाल के घोल तैयार कर देना और इसको 10-15 मिनट के लिए रख देना इस तरीके से हमारा घोल बन के तैयार हो जाएगा इसमें पानी मिक्स नहीं करना है और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है अभी ये जो अरवी उबल गई थी इसके साथ मैंने आलू भी थोड़ा थोड़ा काट के रख लिया है अब क्या है दम अरबी में ऐसा रहता है कि अरबी को ज़्यादा नहीं उबालना रहता ये अच्छे से उबल गई है लेकिन क्या है फिर कच्चा कच्चा पन लगने लगता तो पन है तो अपन को कांटा लगाना पड़ता है तो इसके लिए मैंने क्या किया दो चम्मच लेके अच्छे से अरवी को बॉईल कर लिया था आलू के साथ में उसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच लाल मिर्च आधा चम्मच धनिया पाउडर नमक डाल देना टेस्ट के अकॉर्डिंग सबको अच्छे से मिक्स कर देना और इसको रख देना दस से पंद्रह मिनट के लिए ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाएँ फिर उसके बाद तेल डालना कढ़ाई में और तेल को होने देना है गरम और जो हमने अरवी आलू रखे थे इनको कर लेना है फ्राई ये क्या है थोड़ा थोड़ा तेल में लगेगा तो कोई बात नहीं हम वो तेल फिर से यूज़ कर लेंगे कहीं खराब नहीं जाएगा अच्छी ही सब्जी बनके तैयार होगी थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इनको तल लेना बहुत ज़्यादा नहीं और हाई फ्लेम पर ही डाला नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपकेगी नीचे कढ़ाई में फिर इनको एक प्लेट में निकाल के उसी तेल को या तो आप छान लेना नहीं तो री कर लेना कुछ ख़राब नहीं होगा अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन तैयार होगी तो आधा चम्मच हींग डालना है आधे चम्मच से ज़्यादा अजवाइन डालना अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता आधा चम्मच जीरा डाल के प्याज को डाल देना जो प्याज और धनिया हमने पीस के रखी थी ना ग्राइंडर में उसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल देना अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है अदरक लहसुन हरी मिर्च हरी धनिया का पेस्ट भी इसी में ऐड कर देना है आप चाहो तो प्याज डालने के पहले भी अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो जब ये सब कुछ अच्छे से भुन जाए ना प्याज बहुत अच्छी भुन जानी चाहिए मतलब आपको खुशबू आने लगे तो एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देना या तो टमाटर को ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी डाल सकते हो बट ज़्यादा वैसा नहीं रहता मतलब जल्दी पक जाता है तो टमाटर को ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब दोनों मसाले अच्छे से भुन जाएंगे मतलब प्याज लहसुन हरी मिर्च हरी धनिया ये सब कुछ तो फिर उसके बाद जो हमने दही में घोल बना के तैयार करके रखा था ना उसको डाल देना और थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल देना अच्छे से मसाले को भून लेना है जैसे तेल अलग होने लगेगा ना मसाले से तो समझ जाना मसाला भून गया है वैसे भी कम्प्लीट भून चुका था सिर्फ हमने मसाला भूनने के लिए मतलब जो हल्दी धनिया अगर, अगर मसाला दही में डाल के रखा था उसको भूनने के लिए पाँच सात मिनट हमें लेना है यहाँ आपको तेल ज़्यादा लग रहा होगा तो तेल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना थोड़ा कम डाल देना फिर जो हमने फ्राई की हुई अरबी आलू रखे थे उनको डाल के सात आठ मिनट के लिए पका लेंगे थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि मसाले में अच्छे से कोट हो जाए फिर उबला हुआ पानी मतलब थोड़ा सा गर्म पानी हो उसको इसमें डाल देना है और पकने तक के लिए वेट करना है अब पाँच सात मिनट और पकाना है और सब्जी हमारी बन तैयार हो जाएगी पाँच मिनट बाद सब्जी बन के तैयार हो गई है तो सब्ज़ी हमारी सर्व करने के लिए रेडी हो गई आप यहाँ पर खूब सारा हरा धनिया डाल देना आप चाहो तो क्रीम भी यूज़ कर सकते थे दही की जगह बट मुझे दही का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला आप चाहो तो आलू आलू की या फिर अरवी अरवी की भी सेपरेट एक एक मतलब बना सकते हो सिर्फ आलू की या फिर सिर्फ अरवी की तो भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है क्या है अरवी कम पड़ गई थी इसलिए मैंने आलू ऐड कर दिया था अरवी क्या है ख़राब निकल गई थी मुझे धोखा दे दी थी अरवी तो टेस्ट बहुत अच्छा था सब्जी का ट्राई जरूर करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कुछ गड़बड़ी की हो तो कमेंट करके बता देना मुझे भी अच्छा लगेगा तो मैं कुछ और ऐड कर दूँगी बाकी थैंक यू सो मच एवरी